Assalamu alaikum class. Today in this lecture we will discuss about the structure, functions as well as the components of a fish heart in the subject of principles of fish biology. Now the question arises, what is a heart? Heart can be defined by the following definition. That it is a hollow muscular organ that pumps the blood through the circulatory system by rhythmic contraction and dilation. यानि heart क्या है? ये एक hollow यानि खोखला muscular muscle से बना हुआ organ है जो कि खून को pump करता है हमारे circulatory system के अंदर, और pump किस तरह से करता है? By rhythmic contraction and dilation. यानि ये contract भी करेगा और relax भी करेगा, जिससे जब ये contract करेगा तो ब्लड को पंप करेगा, ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर चले जाएगा, जब ये रिलैक्स करेगा तो इसके अंदर ब्लड जो है वो फिल अप हो जाएगा, यानी ब्लड इसके अंदर भर जाएगा. नाउ द फिश हैव व्हाट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ टू चैम्बर्ड हार्ट. यानी मछली जो है इसको जो है कहा जाता है, ख्याल किया जाता है कि इसके अंदर दो खानों वाला जो है वो दिल बना हुआ है, जिसके अंदर पहला जो इसका चैम्बर है उसको एट्रियम कहा जाता है, विच रिसीव द ब्लड, एंड जो इसका दूसरा चैम्बर है दैट इज़ नोन एज वेंट्रिकल, जो कि खून को पंप करने का काम करता है. लेकिन इसके साथ साथ जो फिश है इसमें एट्रियम से पहले भी एक चैम्बर होता है जिसको साइनस वेनोसिस कहा जाता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने अंदर रिसीव करता है पूरी बॉडी के अंदर से. फिश की जो पूरी बॉडी है उसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले एंटर होता है साइनस वेनोसिस में, फिर उसके बाद एट्रियम में आता है, फिर उसके बाद वहाँ से वेंट्रिकल में जाता है, और वेंट्रिकल से आगे भी एक चैम्बर होता है जो कि डिफरेंट फिश स्पीशीज़ के अंदर उसके जो है नेम वेरिएबल हैं, जैसे कि उसको कोनस आर्टरियोसिस भी कहा जाता है और उसको बल्बस आर्टरियोसिस भी कहा जाता है इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फिशीज़. तो इट मीन्स कि अब कुछ साइंटिस्ट या कुछ ऑथर्स का ख्याल है या कुछ जो क्लासिफिकेशन टैक्सोनोमिस्ट फिश की करते हैं वो कहते हैं कि फ़िश हैव फोर चैम्बर्स हार्ट, जबकि मोस्टली जो हैं वो मानते हैं कि फ़िश के अंदर टू हार्ट्स के चैम्बर्स हैं जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल हैं. फोर चैम्बर्ड क्यों नहीं हैं? क्योंकि वो साइनस वेनोसिस को और कोनस आर्टरियोसिस या ट्रंक वो जो बल्बस आर्टरियोसिस है उसको वो फ़िश के हार्ट के चैम्बर्स नहीं मानते हैं, इसीलिए फिर फ़िश के हम हार्ट के मोस्टली टू चैम्बर्स ही सपोज करते हैं. जबकि अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो आपको पता है उसके अंदर दो एट्रियम पाए जाते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, यानी एम्फीबियंस का हार्ट जो है वो उसके अंदर थ्री चैम्बर्स होते हैं. इसी तरह से जो रेप्टाइल्स का हार्ट है उसके अंदर भी थ्री चैम्बर्स ही होते हैं, जबकि जो मैमल्स वगैरह हैं या बर्ड्स हैं उसके अंदर हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? फोर चैम्बर्स होते हैं, जिसमें दो एट्रियम हैं और दो वेंट्रिकल्स होते हैं. अब हम अगर फ़िश के हार्ट की लोकेशन के हवाले से बात करें कि ये फ़िश की बॉडी में कहाँ पे पाया जाता है, तो इट इज़ जनरली सिचुएटेड इमीजिएटली पोस्टीरियर टू द गिल्स. यानी ये बिल्कुल जो फ़िश की गिल्स होती हैं जो कि उसके माउथ के दोनों साइडों पे पीछे थोड़ा सा अगर देखें आके गिल कवर के नीचे यानी ओपरकुलम के नीचे गिल्स होती हैं उनके बिल्कुल थोड़ा सा पीछे जो है फ़िश का हार्ट पाया जाता है, पोस्टीरियर साइड पर पाया जाता है. बट इन केस ऑफ टीलियोस्ट हार्ट इज़ जनरली एंटीरियरली प्लेस्ड. लेकिन जो टीलियोस्ट फिशीज़ होती हैं उनका हार्ट थोड़ा सा आगे की तरफ ज़्यादा होता है, यानी माउथ वाली साइड की तरफ, यानी फर्दर फॉरवर्ड होता है, थोड़ा सा आगे की तरफ होता है देन इन द इलेस्मोब्रैंक्स. अब इलेस्मोब्रैंक्स क्या हैं? शार्क्स एंड देयर रिलेटिव्स इसके अंदर आ जाते हैं सारे, जितनी भी शार्क्स स्केट्स हैं रेज वगैरह हैं उनके अंदर जो है वो हार्ट जो है इतना आगे की तरफ नहीं होगा, फॉरवर्ड नहीं होगा. यानी ये हम कह सकते हैं कि जो बोनी फिशेज होती हैं चूँकि उनके अंदर ओपरकुलर कंडीशन है यानी उनके ऊपर ओपरकुलम होता है, गिल कवरिंग होती है गिल्स के ऊपर, तो उनके अंदर हार्ट थोड़ा सा फॉरवर्ड होगा, जबकि जो विदाउट गिल कवरिंग फिशेज हैं इलास्मोब्रैंक्स यानी जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं उनके अंदर हार्ट इस तरह नहीं होगा. लेकिन इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं इन अ फ्यूअर फिशेज पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हार्ट इज़ क्वाइट एक्सटेंसिव एज इन द साउथ अमेरिकन लंग फिश एंड द एशियाटिक स्वैम्प पील्स. ऑर्डिनरली द हार्ट इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाई द शोल्डर गिर्डल. अब शोल्डर गिर्डल फिश के अंदर पाई जाती है जिससे हार्ट की प्रोटेक्शन होती है. द मेम्ब्रेनस पेरिकार्डियल सैक इन विच द हार्ट इज लोकेटेड इज
स्पेशियस इन द शार्क्स एंड रिलेटिव्स। अब जिस मेम्ब्रेन के अंदर हार्ट पड़ा होता है शार्क्स और रिलेटिव्स में, उसके वो काफ़ी बड़ी होती है एंड मोर क्लोजली एडहीरिंग इन द बोनी फिशेज। और ये बोनी फिशेज के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं होती है, यानी चौड़ी नहीं ज़्यादा होती, फैल नहीं सकती है। इट्स लाइनिंग द पेराइटल पेरिकार्डियम ज्वाइंस द विजरल पेरिकार्डियम दैट कवर्स द हार्ट मसल्स वेयर द मेन वेन्स एंटर एट द साइनस इनोसिस एंड द ट्रंकस आर्टेरियोसिस leaves the heart on its way to the gills. Similarly, the parietal and visceral pericardia occurs where the blood vessels of the heart itself, the coronary artery and veins enter and leave the heart. The space between parietal pericardium and the visceral pericardium of the heart is a derivative of the cranial portion of the embryonic coelom or body cavity. यानी अब जो फिश का parietal pericardium है या visceral pericardium है heart का, उसको क्रेनियल जो है फिश का जो क्रेनियम बनेगा एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर या क्रेनियम के अंदर जो बॉडी कैविटी बनती है वो डिसाइड करती है कि उनकी कितनी स्पेस होगी। द पेरिकार्डियल कैविटी इन द एडल्ट फिश इज क्लोज टुवर्ड्स द रेयर। अब जो पेरिकार्डियल कैविटी एडल्ट फिशेज़ के अंदर होती है वो पीछे की तरफ चले जाती है एक्सेप्ट इन द शार्क्स एंड रिलेटिव्स। शार्क्स और रिलेटिव्स में ऐसे नहीं होता पिछली साइड पे। एंड इन द स्टर्जन एंड रिलेटिव्स वेयर देयर मे बी वन और टू सेकेंडरी कनेक्शंस बिटवीन पेरिकार्डियल एंड पेरिटोनियल कैविटीज़। अब अगर फिश के हार्ट के हवाले से हम बात करें, उसका साइज़ और शेप, यानी किस तरह कितना उसका साइज़ हो सकता है, तो वो वेरी करता है। द हार्ट वेरी कंसीडरेबली इन रिलेटिव डेवलपमेंट एंड साइज इन कनेक्शन विद द लो ब्लड वॉल्यूम। अगर ब्लड वॉल्यूम कम है एंड द लो ब्लड प्रेशर ऑफ फिशिज, हार्ट साइज एज एक्सप्रेस इन पार्ट्स पर थाउजेंड ऑफ द बॉडी वेट इज़ लोअर इन फिशिज दैन इन अदर वर्टिब्रेट ग्रुप्स। क्योंकि इनमें अंदर ब्लड सप्लाई लो है तो इसलिए इनका हार्ट का साइज़ भी अगर हम पार्ट्स पर थाउजेंड ऑफ द बॉडी के हिसाब से देखें तो वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर वर्टिब्रेट्स, यानी एम्फीबियन हैं, रेप्टाइल हैं, बर्ड्स हैं या मैमल्स, उनके मुकाबले में कम होता है। स्लो मूविंग एंड रिलेटिवली सीडेंट्री फिशेज हैव रिलेटिव हार्ट वेट्स ऑफ लेस देन वन पार्ट पर थाउजेंड ऑफ द टोटल बॉडी वेट। यानी जो स्लो मूविंग फिशेज हैं उनके अंदर हार्ट का जो वेट होता है वो लेस देन वन पार्ट पर थाउजेंड होता है, जबकि वेयर एज द वैल्यू इन फास्ट स्विमर्स सच एज मैकरल्स एंड ट्यूनास इज 1.2 पार्ट्स पर थाउजेंड। यानी जो फिशेज ज़्यादा तेज़ी से मूव करती हैं उनके अंदर हार्ट का जो वेट है वो 1.2 पार्ट्स पर थाउजेंड है, जो स्लो मूविंग फिशेज हैं सीडेंट्री फिशेज हैं उनके अंदर 1 पार्ट पर थाउजेंड है। एंड द हार्ट ऑफ फ्लाइंग फिशेज हैज़ अ रिलेटिव वेट ऑफ 2.1 पार्ट्स पर थाउजेंड। यानी जो फ्लाइंग फिशेज हैं उनका ज़्यादा है, यानी कि ये जो हार्ट वेट है। फिशेज डिफर फ्रॉम लैंड वर्टिब्रेट्स इन सच दैट देयर हार्ट टू बॉडी वेट रेशियो स्टे रिलेटिवली कॉन्स्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। अब जो फिश की हार्ट बॉडी रेशियो है, यानी कि जो है उनकी नस्बत है, वो कभी चेंज नहीं होती इनकी पूरी ज़िंदगी के अंदर। ये भी इनको एक मुमताज़ चीज़ एक बना देती है और दूसरे वर्टिब्रेट्स इनको डिस्टिंग्विश कर देती है, इनको डिफरेंट या यूनिक बना देती है। इस स्लाइड के अंदर आप एक फ़िश के अंदर जो डाइसेक्ट की हुई है फ़िश के हार्ट की लोकेशन देख सकते हैं कि फ़िश का हार्ट बिल्कुल उसके गिल्स के पास पाया जाता है, फ़िश के माउथ के बिहाइंड। ये वाला जो फ़िश हार्ट आपको एरो से नज़र आ रहा है पास ही फ़िश के गिल्स हैं। नाउ यू कैन सी इन दिस स्लाइड द जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ फ़िश हार्ट। जैसा कि आपको पहले बताया था कि फ़िश जो है वो बॉडी से उसकी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है विद द हेल्प ऑफ साइनस विनोसिस, जो इसके अंदर इकट्ठा पहले होगा साइनस विनोसिस के अंदर, जो एरो से आपको राइट साइड पे दिखाया गया है। फिर इसके बाद साइनस विनोसिस से ब्लड एंटर होता है इनटू एट्रियम, जो कि फ़िश का ट्रू चैम्बर है हार्ट का, यानी चैम्बर जो है वो स्टार्ट जिसको माना जाता है एट्रियम। फिर एट्रियम से ब्लड एंटर होगा इनटू वेंट्रिकल, जो कि थिक वॉल्ड चैम्बर है। फिर वेंट्रिकल से ब्लड आगे जाएगा बल्बस आर्टेरियोसिस में, या कुछ फिशेज के अंदर इसकी जगह पे दूसरा नाम लिया जाता है जो जिसको हम कहते हैं कॉनस आर्टेरियोसिस। अब जो इलेस्मोब्रैंक्स फिशेज हैं उनके अंदर इस फोर्थ हार्ट के चैम्बर को, जो यहाँ पे आपको बल्बस आर्टेरियोसिस के नाम से नज़र आ रहा है, तो इसको नाम दिया जाता है कॉनस आर्टेरियोसिस का इलेस्मोब्रैंक्स के अंदर। यानी इलेस्मोब्रैंक्स में कौन कौन सी फिशेज आ जाती हैं, जो कि कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं, जैसे शार्क्स हैं, स्केट्स हैं और रेज हैं। तो उनके अंदर जो है इसका नाम क्या है, इसको आप क्या कहेंगे, यानी कि शार्क्स, स्केट्स और रेज के अंदर कॉनस आर्टेरियोसिस।
जबकि जो मॉडर्न फिशीज़ हैं जैसे टिलियोस्ट फिशीज़ हैं उन उनके अंदर आप इसको क्या कहेंगे, इसको बल्बस आर्टरियोसिस ही कहेंगे, जैसे आप यहाँ पे इसका नाम देख सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज़, व्हाई डू फिश हैव अ टू चैम्बर्ड हार्ट नॉट थ्री चैम्बर्ड और फोर चैम्बर्ड हार्ट? तो इसका आंसर वेरी सिंपल है कि फ़िश का हार्ट चूँकि बहुत सिंपल ऑर्गन है जिसका काम क्या है, खून को पंप करना गिल्स की तरफ, और वहाँ से फिर गिल्स से ब्लड जो है ऑक्सीजन को हासिल कर लेता है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो दोबारा क्या करता है, पूरी फ़िश की बॉडी के अंदर जो है वो सर्कुलेट करता है और तमाम सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और जो फ़िश का हार्ट है इसको चूँकि ज़्यादा चैम्बर्स नहीं चाहिए हैं क्योंकि ये सिंपल सी एक सर्कुलेशन है, दैट्स वाई इट डजेंट रिक्वायर एडिशनल चैम्बर्स बियॉन्ड द फर्स्ट टू चैम्बर्स। और अब सिंगल सर्कुलेशन, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है कि फ़िश का हार्ट जो है इट शोज़ सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज़ अ टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दैट अकर्स इन ओनली फिशीज इन विच द ब्लड पासिस ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन ईच कम्प्लीट सर्किट ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या है कि ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें से खून एक ही दफ़ा दिल के अंदर से गुजरता है उसको आप क्या कहते हैं, सिंगल सर्किट सर्कुलेशन, जो कि फिशीज़ के अंदर ही पाई जाती है। फिश हार्ट इज़ आल्सो नोन एज ब्रैंकियल हार्ट। अब इसकी रीज़न भी है कि इसको क्यों ब्रैंकियल हार्ट कहा जाता है। द हार्ट ऑफ फिशीज इज़ नोन एज ब्रैंकियल हार्ट बिकॉज इट्स मेन फंक्शन इज़ टू पम्प वेनस ब्लड टू वेंट्रल एओर्टा इन टू गिल्स एंड देन टू सोमैटिक वेसल्स, दस ब्रैंकियल एंड सिस्टीनिक वेस्कुलर बेड्स आर अरेंज इन सीरीज विद हार्ट। अब जो फिश का हार्ट है इसको ब्रैंकियल हार्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रिसीव करता है थ्रू वेन्स वेंट्रल एओर्टा के थ्रू, फिर वो जो है वेंट्रल एओर्टा से उसके जो है वो यानी कि सबसे पहले जो है वो साइनस विनोसिस में जाएगा, फिर एट्रियम में जाएगा, फिर वेंट्रिकल में जाएगा, फिर कोनस या बल्बस आर्टरियोसिस से होता हुआ वो गिल्स की तरफ जाएगा। यानी वेंट्रल एओर्टा जो हैं वो गिल्स की तरफ ब्लड को लेके जाती हैं, बल्बस आर्टरियोसिस के बाद ये स्टार्ट होती हैं जिनके ज़रिए से ब्लड क्या होता है वो गिल्स की तरफ जाता है। तो इसके बाद फिर गिल्स में उसकी ऑक्सीजनेशन होगी, वो ऑक्सीजन को हासिल कर लेगा, फिर बाद में उसको पंप किया जाएगा फिश की बॉडी के अंदर, और पूरी बॉडी के अंदर जो है जब वो पंप किया जा रहा होगा तो वो सोमेटिक वेसल्स के थ्रू जो है वो स्प्रेड कर जाएगा उसकी पूरी बॉडी के अंदर। तो इसीलिए फिर इस तरह से जो है फिश के हार्ट को हम क्या कह देते हैं, ब्रैंकियल हार्ट का भी नाम देते हैं, क्योंकि ब्रैंकिया का मतलब क्या है, गिल्स। और सबसे पहले ब्लड को पंप किस तरफ करता है, गिल्स की तरफ पंप करता है ऑक्सीजन हासिल करने के लिए। और हार्ट के अंदर जब भी ब्लड आएगा वो हमेशा फ़िश के अंदर, हार्ट के अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ़िश का हार्ट रिसीव करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि फ़िश के हार्ट के जो चैम्बर, जैसा कि आपको पहले बताया था कि फ़िश के हार्ट के टू चैम्बर्स होते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल। द ब्लड फ्रॉम द बॉडी विच इज़ लो इन ऑक्सीजन एंटर्स द एट्रियम वाया द साइनस विनोसिस। अब साइनस विनोसिस के थ्रू जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो एट्रियम में फ़िश के एंटर होगा। अब जो फ़िश का एट्रियम है इट कंटेन्स स्पेशलाइज सेल्स विच आर नोन एज पेस मेकर सेल्स। अब पेस मेकर सेल्स क्या होते हैं, दीज आर द सेल्स प्रेजेंट इन सम एनिमल्स दैट कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डिक मसल्स दैट इज़ द हार्ट मसल इन ऑल एनिमल्स विच इज़ इनिशिएटेड बाई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नोन एज एक्शन पोटेंशियल्स। अब जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो ये वाला जो पेस मेकर सेल्स हैं ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट कर रहे होते हैं जो कि एक्शन पोटेंशियल जिनको नाम दिया जाता है, जिससे क्या होता है हार्ट के सेल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट कर देते हैं। द रेट एट विच दीज इम्पल्स फायर कंट्रोल्स द रेट ऑफ कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन दैट इज़ टर्म्ड एज द हार्ट रेट। यानी जब भी ये जो पेस मेकर सेल्स हैं ये जब इम्पल्सिस को जनरेट कर रहे होते हैं हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो उससे क्या होता है कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन का अमल शुरू हो जाता है और कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन का एक ख़ास किस्म का रेट डेवलप हो जाता है, दैट इज़ नोन एज हार्ट रेट। यानी हार्ट जो जिसको रेट का हम नाम दे देते हैं। एंड द सेल्स दैट क्रिएट दीज रिदमिक इम्पल्सिस सेटिंग द पेस फॉर ब्लड पम्पिंग आर कॉल्ड पेस मेकर सेल्स। क्योंकि ये ब्लड पंपिंग के लिए एक पेस एक रफ्तार तय करते हैं, इन्होंने रफ्तार बतानी है कि कितनी जितनी ज़्यादा इसकी इम्पल्सिस जनरेट होंगी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा उतना ही ज़्यादा हार्ट रेट क्या होगा या हार्ट बीट क्या होगी ज़्यादा होगी।
एंड दे डायरेक्टली कंट्रोल द हार्ट रेट. देयरफॉर दे मेक अप द कार्डिक पेस मेकर, दैट इज द नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट. अब अगर हम फिश के हार्ट की बात करें, तो जैसा आपको पहले बताया कि सबसे पहले जो लो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो साइनस वेनोसिस में जाएगा, फिर वहाँ से वो उसके एट्रियम में जाएगा जो कि थिन वॉल्ड मस्कुलर चैम्बर है, फिर एट्रियम से वो कहाँ पे जाएगा, वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल से वो आगे जाएगा बल्बस आर्टरीओसिस में या कोनस आर्टरीओसिस में. वो डिपेंड करता है कि कौन सी फिश है. जैसा कि आपको पहले बताया था कि बल्बस आर्टरीओसिस किन में होता है और कोनस आर्टरीओसिस किन फिशेज में पाया जाता है. तो इस तरह से जो है ये ब्लड की एक सर्कुलेशन होगी फिश के अंदर. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज के फिश का हार्ट टू चैम्बर्ड है या फोर चैम्बर्ड है. तो जैसा कि आपको पहले बताया था कि सम ऑथर्स कंसीडर्ड एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स एज द चैम्बर्स ऑफ हार्ट. अब कुछ ऑथर्स का मानना है कि सिर्फ एट्रियम और वेंट्रिकल ही फिश के हार्ट के ट्रू चैम्बर्स हैं, इसलिए वो फिश के हार्ट को टू चैम्बर्ड हार्ट ही मानते हैं. वाइल सम कंसीडर्ड साइनस विनोसिस एंड कोनस आर्टरीओसिस और बल्बस आर्टरीओसिस एज द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट. यानी कुछ का ख्याल है कि साइनस विनोसिस भी और बल्बस आर्टरीओसिस या कोनस आर्टरीओसिस भी फिश के हार्ट के ही चैम्बर्स ही हैं, तो इसलिए वो इसको फोर चैम्बर्ड हार्ट मानते हैं. सो देर इज सम कन्फ्यूजन इन बल्बस एंड कोनस आर्टरीओसिस एज वेल, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि वाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बल्बस एंड कोनस आर्टरीओसिस इन फिश. अब एक क्वेश्चन है कि वाई बल्बस आर्टरीओसिस इज प्रेजेंट इन फिश हार्ट, यानी ये क्यों पाया जाता है. द लास्ट चैम्बर द बल्बस आर्टरीओसिस इज अ यूनिक स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन इज टू डैम्पन द प्रेशर पल्स जनरेटेड बाय द वेंट्रिकल. Because the next organ after the bulbous arteriosus are the gills, and they are thin-walled and may be damaged if the pulse pressure or absolute pressure becomes too high. The bulbous arteriosus contains elastic components but not many muscle fibers. अब आपको इसकी समझ आ गई होगी कि bulbous arteriosus क्यों पाया जाता है. अब देखें जो ventricle है, ventricle के बाद fish के अंदर एक extra chamber ventricle के बाद पाया जाता है जिसको bulbous arteriosus कहा जाता है. ये एक यूनिक स्ट्रक्चर है जो कि डैम्पन या लो कर देती है ब्लड प्रेशर को, क्योंकि जब हार्ट से ब्लड पंप किया जा रहा होगा तो उसका प्रेशर काफ़ी हाई हो सकता है, जिससे अब उस पंप किए हुए ब्लड ने जाना कहाँ पे है, गिल्स की तरफ. अब जो फिश की गिल्स हैं दे आर वेरी वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर, ये बहुत थिन वॉल्ड होती हैं, डेलिकेट होती हैं, बिकॉज दे कंटेन्स शॉर्ट थ्रेड ऑफ प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर्स, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स नोन एज फिलामेंट्स, तो वो डैमेज उसके हो सकते हैं. तो इसी वजह से अब ये जो बल्बस आर्टरीओसिस पाया जाता है ताकि ये जब वेंट्रिकल ब्लड को पंप करे तो वो बल्बस आर्टरीओसिस में चले जाए. और ये थोड़ा सा क्योंकि ब्रॉड चैम्बर होता है, चौड़ा चैम्बर होता है, तो यहाँ पे ब्लड का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा आके. तो इस तरह से जब ब्लड वो कम प्रेशर वाला फिर इस तरह से इससे होता हुआ गिल्स की तरफ जाएगा और गिल्स इस तरह से डैमेज नहीं होंगी, क्योंकि इसकी जो वॉल्स हैं और बल्बस आर्टरीओसिस की उसमें इलास्टिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, मसल फाइबर्स कम होते हैं, जिससे जब इसमें अगर ब्लड ज़्यादा भी आ जाएगा या प्रेशर के साथ भी आ जाएगा तो ये उसको क्या कर सकते हैं, ये ब्रॉड होके चौड़ा होके जो है उसको अपने अंदर अकोमोडेट कर सकता है. इस तरह से ब्लड प्रेशर को कम कर दिया जाएगा, आगे जाता जाता ब्लड जो उसका प्रेशर कम हो चुका होगा जब वो गिल्स की तरफ पहुंचेगा. तो इस तरीके से जो है ब्लड प्रेशर को डैम्पन करने के लिए क्या पाई जाती है स्ट्रक्चर फिश के अंदर, बल्बस आर्टरीओसिस. नाउ इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बल्बस एंड कोनस आर्टरीओसिस. अब इस स्लाइड में कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं जैसे इलेस्मोब्रैंक्स. अब हम इलेस्मोब्रैंक्स को पहले डिस्कस करेंगे कि ये क्या हैं. इलेस्मोब्रैंकाई इज अ सब क्लास ऑफ कोंडर इथाइज और कार्टिलेजिनस फिश इंक्लूडिंग विच इंक्लूड्स द शार्क्स, स्केट्स, रेज एंड सा फिश, एंड मेम्बर्स ऑफ दिस क्लास आर करेक्टराइज बाई हैविंग फोर पेयर्स ऑफ गिल्स टू सेवन पेयर्स ऑफ गिल्स. फोर पेयर्स ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट इन शार्क्स. तो इस तरह से इसके मेम्बर्स की हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि इनमें गिल्स कितने पाए जाते हैं, यानी फोर पेयर ऑफ गिल्स जो हैं शार्क्स के अंदर पाए जाएंगे, सेवन पेयर ऑफ गिल्स दूसरों के अंदर पाए जाएंगे. तो इलेस्मोब्रैंकाई क्लास जो है ये कार्टिलेजिनस फिशेज जो है उसकी सब क्लास है. इलेस्मोब्रैंकाई जो इट इज़ अ सब क्लास ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेज, यानी शार्क्स, स्केट्स और रेज वगैरह की. ओके क्लास. तो अब जो फोर्थ चैम्बर है कोनस आर्टरीओसिस, ये किन के अंदर पाया जाएगा या किस कोनस आर्टरीओसिस हम किन के फिशेज के लिए वर्ड डिजिग्नेट करते हैं, ये वर्ड डिजिग्नेट किया जाता है फॉर ओनली इलेस्मोब्रैंक्स, यानी सब क्लास इलेस्मोब्रैंकाई के लिए, जिसमें मैंने आपको पहले भी बता दिया शार्क्स,
रेज स्केट्स और सॉ फिश आ जाती हैं। जबकि बल्बस आर्टरियोसिस जो है ये किन फिशेस के लिए टर्म यूज़ की जाती है, टिलियोस्ट फिशेस के लिए। अब हम सब जो है वो टिलियोस्ट फिशेस के बारे में पढ़ लेते हैं कि टिलियोस्ट क्या होते हैं, जो यहाँ पर दूसरी टर्म आपने देखी थी जो कि जिनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बल्बस आर्टरियोसिस चैम्बर के लिए, जिनके अंदर जो चैम्बर ये पाया जाता है। तो टिलियोस या टिलियोस्टाई जो है ये ग्रीक वर्ड टिलियोस से मिलकर बना है, विच मीन्स कम्प्लीट, एंड ओस्टियोन विच मीन्स बोन्स, यानी दे हैव कम्प्लीट बोनी स्ट्रक्चर्स, यानी बोनी फिशेज ही हैं ये वाली। एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट इंफ्रा क्लास इन द क्लास एक्टिनोप्टेरिजाई, जिसको हम रे फिंड फिशेज भी कहते हैं एक्टिनोप्टेरिजाई को। तो एक्टिनोप्टेरिजाई जो हैं, रे फिंड फिशेज जो हैं, उसकी ये जो है लार्जेस्ट इंफ्रा क्लास है टिलियोस जो है, और ये तकरीबन 96% जो है वो मॉडर्न जो स्पीशीज फिशेज की हैं इसके अंदर आती हैं। तो टिलियोस जो फिशेज हैं इनको तकरीबन 40 ऑर्डर्स के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया गया है, और 448 फैमिलीज़ के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, और तकरीबन 26,000 स्पीशीज़ अप टू डेट जो हैं इसके अंदर बताई जाती हैं। यानी जो बोनी फिशीज़ हैं उनके अंदर आप वर्ड यूज़ करेंगे बल्बस आर्टरियोसिस, जबकि जो कार्टिलेजिनस फिशीज़ हैं उनके लिए, इस चैम्बर के लिए आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे, कोनस आर्टरियोसिस। अब अगर सेकंड पॉइंट पे हम आएँ तो सेकंड पॉइंट में इनकी डिस्टिंक्शन बताई गई है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू इज़ दैट द कोनस आर्टरियोसिस कंसिस्ट ऑफ कार्डिक मस्कुलेचर। अब जो कोनस आर्टरियोसिस है जो कि आपको पहला मैंने बताया था चैम्बर जो कि इलेस्मोब्रैंक्स फिशीज़ के अंदर पाया जाता है, यानी इलेस्मोब्रैंक्स के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है, ये ज़्यादातर किससे मिलकर बनी होती, कार्डिक मस्कुलेचर से, सिमिलर टू वेंट्रिकल, एंड इज़ जनरली प्रोवाइडेड बाई लार्ज नंबर ऑफ वॉल्व अरेंज्ड इन सक्सेसिव रोज। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसके अंदर इसकी हम पहचान कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वॉल्व होते हैं और वो एक तरतीब के साथ लगे हुए होते हैं, जबकि बल्बस आर्टरियोसिस जो होती है इट कंप्राइज ओनली स्मूथ मसल फाइबर्स एंड इलास्टिक टिश्यूज़, यानी इसमें इस तरह वॉल्व वगैरह नहीं हैं। तो अकॉर्डिंग टू टोरे इन 1971 द हार्ट ऑफ सिप्रीनस कार्पियो, यानी जो सिप्रीनस कार्पियो जो है वो कॉमन कार्प के लिए वर्ड यूज होता है, अटिलियोस्टियन फिश कंटेन्स बोथ कोनस एंड बल्बस आर्टरियोसिस। अब टोरे के मुताबिक क्या ख्याल था इसका कि ये सिप्रीनस कार्पियो जो फिश है इसके अंदर कोनस आर्टरियोसिस भी है और बल्बस आर्टरियोसिस भी पाया जाता है। हुएवर लेटर वर्कर्स हेल्ड दैट इन टिलियोस्ट ओनली बल्बस आर्टरियोसिस इज प्रेजेंट, जिसका पहले भी आपको बताया मैंने फंक्शन के, जिसका फंक्शन क्या है, ब्लड प्रेशर को कम कर देना, डैम्पन कर देना। इलेस्मोब्रैंक एंड एनेथन्स हैव, एनेथन्स मीन विदाउट जॉस, यानी ऐसे फिशेस जो जॉलेस हैं, एंड एनेथन हैव कोनस आर्टरियोसिस इंस्टेड ऑफ बल्बस आर्टरियोसिस, यानी जॉलेस फिशेस के अंदर जो है कोनस आर्टरियोसिस है और बोनी फिशेस के अंदर क्या है, बल्बस आर्टरियोसिस पाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नाउ इन दिस स्लाइड वी विल सी द जनरलाइज्ड डायग्रामेटिक स्केच ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट ऑफ वेरियस फिश स्पीशीज अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप्स। जैसा कि अब लेफ्ट से राइट साइड की तरफ अगर आप देखें तो आपको फोर डायग्राम्स दिखाई गई हैं, ए बी सी एंड डी। अब अगर डायग्राम ए में आप देखें तो लैम्प्रे का फिश का हार्ट दिखाया गया है विच शोज बल्बस आर्टरियोसिस, लेकिन अकॉर्डिंग टू इथायोलॉजी बुक सेकंड एडिशन है उसका, कार्ल एफ लेगलर का, उसके मुताबिक क्या है कि जो जो राइट लेफ्ट साइड पे आपको फ़िश का हार्ट दिखाया गया है लैम्प्रे का, वो बहुत सिंपलेस्ट हार्ट है, जिसमें नीचे साइनस विनोसिस है, फिर उसके बाद उसमें एट्रियम आता है, एट्रियम के बाद उसमें वेंट्रिकल, ये चैम्बर ऊपर वी से दिखाया गया है, फिर वी के बाद जो है इसमें बी ए ऊपर लिखा वो सबसे टॉप पे नज़र आ रहा है, वो क्या है, बल्बस आर्टरियोसिस। यानी उसमें इसमें क्या होता है कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड या लो ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो साइनस विनोसिस में एंटर होगा, फिर वहाँ से एट्रियम में जाएगा, एट्रियम से ऊपर वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से वो फिर पूरी उसकी जो है गिल्स की तरफ चले जाएगा, जहाँ से वो ऑक्सीजन को हासिल कर लेगा। यानी टिपिकली द ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट एंटर्स द साइनस विनोसिस विच पासिस थ्रू द ऑरिकल और एट्रियम and is propelled towards the gills for aeration by the relative thick-walled muscular ventricle. This is the plan for the cyclostomes. यानी ये लैम्प्रे का मैंने आपको प्लान बताया कि लैम्प्रे के अंदर इतना सिंपलेस्ट यानी होता है, बट इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिशीज और कोंडरिथाइज, जैसे सेकेंड आपको बी में दिखाया गया है,
They have added a contractile muscular valve base, which is known as conus arteriosus, जिसको CA से टॉप के ऊपर आपको दिखाया गया है, to the ventral aorta, where it leaves the ventral. But in case of higher bony fishes, the plan is like that of the shark and its relatives. But the first section of the ventral aorta is typically thin-walled and valved, that is bulbous arteriosus. एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, यानी कि जो बोनी फिशेज हैं इनके अंदर बल्बस आर्टरियोसिस भी जो होगा वो वॉल्व्ड होगा, और उसके अंदर जो वेंट्रल एओर्टा होगा वो क्या होगा, थिन वॉल्ड होगा बना हुआ, और जो इनका बल्बस आर्टरियोसिस होगा इट इज़ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल बट इलास्टिक इन नेचर, विच अल्टरनेटिवली एनलार्जिंग एंड श्रिंकिंग इन रिस्पॉन्स टू द चेंजेज इन ब्लड प्रेशर फ्रॉम alternate ventricular contraction and rest or relaxation. With many variations in the teleost series, the conus is reduced and replaced anteriorly by the non-contractile bulbus. While the ventral aorta in a fish is median in position beneath the gills, from it branch the efferent branchial arteries to each gill pouch or arch. Within the gills, afferents break down into capillaries and collect again after a drop in blood pressure in efferents that from the dorsal aorta, main vessel for distribution of blood to the body. अब अगर आप इनका स्ट्राइकिंग डिफरेंस देखें तो आपको पता चल गया होगा कि जो सिंपलेस्ट फिशीज थी, प्रिमिटिव फिशीज जैसे लैम्प्रेज हैं, इनके अंदर बल्बस आर्टरियोसिस ये आपको दिखाया गया है, जबकि जो कार्टिलेजिनस फिशीज थी इनके अंदर क्या हुआ है, कोनस आर्टरियोसिस डेवलप हो गया, जिसके अंदर आपको वॉल्व्स भी नज़र आ रहे हैं. बट इन केस ऑफ बोनी फिशीज इनके अंदर क्या है, बल्बस आर्टरियोसिस होता है, जिसके अंदर आपको वॉल्व्स नहीं दिखाए गए, लेकिन बट वॉल्व्स आर प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू इथाइलॉजी सेकेंड एडिशन ऑफ कार्ल एफ लेगलर, उसमें पेज नंबर 88 पे जो है वो बताया गया है कि इसके अंदर वॉल्व्स भी जो है वो बल्बस आर्टरियोसिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ओके क्लास, क्लियर, इज इट क्लियर? बट इन केस ऑफ लंग फिशेज बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स आर पार्टली डिवाइडेड इनटू चैम्बर्स, यानी एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान क्या है, डिवीजन हुई हुई है, जो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा इसकी डायग्राम. दे हैव शॉर्टन्ड वेंट्रल एओर्टा आल्सो नोन एज ट्रंकस आर्टरियोसिस. There is a striking difference from the previous account of heart structure in this group of lung fishes because they have both the atrium and ventricle which are partly divided into chambers, two chambers. The effect of this division is extended forward in the shortened ventral aorta, the truncus arteriosus, so that the blood from the right side of the heart is concentrated in its flow to the last two branchial arches. In the Australian lungfish, however, the lung is supplied by a substantial vessel from the fourth aortic arch on each side, which is known as pulmonary arteries. But in each of the other two living lungfishes, the pulmonary artery arises from the dorsal aorta. And from the lung, the blood returns by a pulmonary vein to the left side of the sinus venosus. Owing to partitioning of the atrium, such blood tends to concentrate on the left side and to be delivered anteriorly, mostly into aortic arches 1 and 2. Thus, a partial separation of pulmonary and systemic circulations was effected in ancestral lung fishes, which are also known as dipnoi. Perhaps to herald the somewhat more advanced condition in amphibians that led to the completely double circulation of higher reptiles, birds and mammals. अब आप इस स्लाइड के अंदर लंग फिशेज का हार्ट देख सकते हैं, जिसमें आप अगर राइट साइड पे देखें स्लाइड में तो आपको लंग फिशेज का हार्ट दिखाया गया डी डायग्राम के अंदर, जिसमें आपको पार्शली डिवीजन नज़र आ रही है बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, एक दरमियान में लाइन ड्रा की हुई नज़र आ रही है, जो कि इनकी अंदर दरमियान में पार्शल डिवीजन है, यानी हम कह सकते हैं कि बोथ द एट्रियम
and the ventricles are partly divided into two chambers in case of lung fishes. और जैसा कि आपको पहले बताया था कि इसका इफेक्ट क्या हुआ है कि इनके अंदर वेंट्रल एओर्टा या ट्रंकस आर्टरियोसिस शॉर्ट हो गया है, जिससे क्या होता है ब्लड जो है वो राइट साइड के हार्ट से, हार्ट के राइट साइड से क्या होता है कंसनट्रेटेड हो जाता है इसके फ्लो में, और वो दो ब्रैंकियल जो आर्चीज होती हैं उनकी तरफ वो चले जाता है. तो ये इसका जो है वो फ़ायदा है. ये आप इस स्लाइड के अंदर कुछ लंग फिश की आपको जो है इमेजेस दिखाए गए हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन लंग फिश है, साउथ अमेरिकन लंग फिश है, अफ्रीकन लंग फिश है और डिवोनियन लंग फिश है. ये आप देख सकते हैं कि लंग फिशेज किस तरह की होती हैं. और अब प्रेजेंट ज़माने के अंदर जो है इसके 6 नॉन स्पीशीज़ लंग फिशेज की पाई जाती हैं, जो कि अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाती हैं. और अगर इसका फॉसिल रिकॉर्ड देखा जाए तो साइंसदान कहते हैं कि दे वर प्रेजेंट सिंस द ट्राइएजिक पीरियड, और तब से ही हमारी ये ज़मीन के ऊपर प्रेजेंट हैं. और चूंकि दे कैन रिस्पायर थ्रू देयर लंग्स, दैट्स वेयर दे आर नोन एज लंग फिशेज. और लंग फिशेज जो होती हैं इनकी सब क्लास क्या है, डिप्नोई है. और लंग फिशेज जो होती हैं इनके अंदर प्रिमिटिव बोनी फिशेज जैसे करेक्टरिस्टिक्स भी कुछ पाए जाते हैं, सो दैट दे कैन ब्रीद इन एयर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ फिश हार्ट वन बाय वन, दैट इज फ्रॉम द साइनस विनोसिस. The sinus venosus is not an active part of the heart, although pacemaker properly starts in this chamber. जैसा कि आपको लास्ट स्लाइड्स में पहले बताया था कि pacemaker क्या है, वो इसी में से यहाँ से स्टार्ट होता है. It is actually a continuation of the venous vessels and its main function is to receive blood and to pass it on the atrium. यानी sinus venosus क्या करता है, blood collect करता है, उसको कहाँ पे भेज देगा, atrium की तरफ. Sinus venosus receives blood through two ducts. Cuvieri, hepatic veins pour the blood from liver. The ventral ductus cuvieri receives blood from anterior and posterior cardinal veins. यानी यहाँ से जो है ये blood को receive करता है sinus venosus इन component से. तो sinus venosus को अगर हम वैसे बताएं तो ये क्या है, the sinus venosus is a thin walled sac that collects venous blood. Its outline is modified among different fishes because of the variable arrangement of entry for the hepatic veins that bring blood from the liver and for the ducts of Cuvier that gather the blood from the anterior and posterior cardinal veins. The sinus venosus has a volume that is never more than a fraction of that of the atrium into which it opens by a median orifice. In lung fishes where this opening is transposed to the right, a sphincter muscle and two walls at the orifice regulate the flow of the blood into the atrium. The first of the two chambers of the heart proper, these sinus walls, sinoatrial walls, may be solely composed of heart lining, which is known as endocardial tissue, as in the sturgeons and some sharks. But they are most commonly of both endocardial and heart muscle or myocardial composition. Now the question arises के fish का heart two chambered है या four chambered है. तो जैसा कि आपको पहले बताया था कि some authors considered atrium and ventricles as the chambers of heart. अब कुछ ऑथर्स का मानना है कि सिर्फ एट्रियम और वेंट्रिकल ही फिश के हार्ट के ट्रू चैम्बर्स हैं, इसलिए वो फिश के हार्ट को टू चैम्बर्ड हार्ट ही मानते हैं. वाइल सम कंसीडर्ड साइनस विनोसिस एंड कोनस आर्टरियोसिस और बल्बस आर्टरियोसिस एज द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, यानी कुछ का ख्याल है कि साइनस विनोसिस भी और बल्बस आर्टरियोसिस या कोनस आर्टरियोसिस भी फिश के हार्ट के ही चैम्बर्स ही हैं, तो इसलिए वो इसको फोर चैम्बर्ड हार्ट मानते हैं. So there is some confusion in bulbous and conus arteriosus as well, जिसको हम next slide में discuss करेंगे कि what is the. Now we will discuss about the atrium of a fish. The atrium is a large muscular contractile chamber. यानी जो fishes हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ा chamber है जो कि सिकुड़ता है, फैल सकता है. It is situated dorsal to the ventricle in almost all fishes. अब ये ventricle से पहले पाया जाता है mostly fishes के अंदर. इन फिशेज द एट्रियम इज़ आल्सो नोन एज ओरिकल. तो एट्रियम को ओरिकल भी कहा जाता है, लेकिन हकीकत अगर देखी जाए तो ये क्या है, इट इज़ द अपेंडेजेस ऑफ द एट्रिया. यानी ओरिकल्स क्या होते हैं, दे आर द अपेंडेजेस ऑफ द एट्रिया.
द एट्रियम इज़ अनडिवाइडेड सिंगल चैम्बर इन इलेस्मोब्रैंक एंड टीलियोस्ट। अब अगर हम कार्टिलेजिनस फिशेज यानी इलेस्मोब्रैंक्स की बात कर लें, शार्क्स, स्केट्स, रेस की, या टीलियोस्ट की या बोनी फिशेज की बात करें, तो उनके अंदर ये सिंगल चैम्बर ही होता है जिसके अंदर डिवीजन नहीं हुई होती। बट इन केस ऑफ डिप्नोई यानी जो लंग फिशेज़ हैं, एट्रियम जो होता है ये पार्शली डिवाइड कर जाता है, यानी इनकम्प्लीट पार्शली डिवाइड किया गया होता है इन टू इंटर एट्रियल सेप्टा। इंटर एट्रियल सेप्टा इनके दरमियान में आया था एट्रियम के, जिससे वो एट्रियम की थोड़ी सी पार्शल जो है वो डिवीजन हुई होती है इन केस ऑफ लंग फिशेज, जैसा कि आपको पहले भी स्लाइड्स में ये बताया है। पल्मोनरी ब्लड ड्रेन्स डायरेक्टली इनटू द लेफ्ट साइड ऑफ द एट्रियम, वेयर एज द सिस्टेमिक वेनस ब्लड इज कलेक्टेड इन द साइनस वेनोसिस थ्रू डक्टाई क्यूवीराए। द ब्लड फ्रॉम द साइनस वेनोसिस गोज टू द राइट साइड ऑफ द एट्रियम। अगर हम एट्रियम को इंटरनली देखें तो एट्रियम इज़ डिविजिबल इनटू टू पार्ट्स। तो एट्रियम के अंदर दो हिस्से हैं, अ साइनो एट्रियल कैनाल एंड एट्रियम प्रॉपर। तो जो साइनो एट्रियल कैनाल है वो थिक वॉल्ड सेमी सिलेंड्रिकल रिजिड ट्यूब होती है, एंड द लेटर इज़ अ थिन वॉल्ड डिस्टेंसिबल स्पॉन्जी कैविटी, यानी जो फैलने वाली एक बहुत बारीक दीवारों वाली कैविटी जो है उसको हम कह सकते हैं एट्रियम प्रॉपर, जबकि साइनो एट्रियल कैनाल क्या है, वो थिक वॉल्ड सेमी सिलेंड्रिकल रिजर ट्यूब। अब अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस देखें तो या फंक्शनल इंपॉर्टेंस देखें इस फनल की, तो इससे क्या होता है, ब्लड का जो प्रेशर होता है साइनस वेनोसिस में या एट्रियम की फिलिंग के अंदर, वो जो है वो उसके अंदर वो उसको ये बरकरार रखती है। द स्पॉन्जी पोर्शन ऑफ द एट्रियम कंटेन्स पेक्टिनेट मसल्स। द एट्रियम हिस्टोलॉजिकली इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम एंड मायोकार्डियम, यानी एक आउटर लेयर है, एक इनर, एक मिडल है और एक इसकी इनर लेयर है। द एंडोकार्डियम इज़ द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ द एट्रियम, यानी जो उसकी अंदर वाली दीवारें हैं वो उसको एंडोकार्डियम से कवर किया गया है। द एंडोथीलियल सेल्स आर फ्लैट विद स्फीरॉइड और मोर ऑफन इलोंगेटेड न्यूक्लियर। अब उसके जो सेल्स पाए जाते हैं वो किस तरह के होंगे, फ्लैट होते हैं या स्फेरिकल शेप के हो सकते हैं, या उसके अंदर इलोंगेटेड न्यूक्लियाई पाए जा सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एट्रियो वेंट्रिकुलर फनल। अब ये क्या होती है, द एट्रियम कम्युनिकेट्स विद द वेंट्रिकल थ्रू अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रेफर टू एज कैनालिस ऑरिकुलरिस और एट्रियो वेंट्रिकुलर फनल। यानी जो एट्रियम है जब वो वेंट्रिकल से मिलता है तो वहाँ पे एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको एट्रियो वेंट्रिकुलर फनल भी कहा जाता है या कैनालिस ऑरिकुलरिस भी कहा जाता है। द एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग इज राउंड। अब ये राउंड शक्ल की ओपनिंग होती है एंड गार्डेड बाय एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स। अब वहाँ पे जो वॉल्स होते हैं जो इसको प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो को, वो क्या कहलाएंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स। रिगार्डिंग द डिस्पोजिशन एंड नंबर ऑफ एवी वॉल्स यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स इन द हार्ट ऑफ फिशेज इन जनरल एंड टीलियोस्ट इन पर्टिकुलर आर स्टिल मच डिस्प्यूटेड। अब ये नहीं पता है कि कितने वॉल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, उसके बारे में साइंसदानों का मुख्तलिफ राय हैं, जैसे कि जनरली इन टीलियोस्ट टू एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स आर प्रेजेंट। अब जो टीलियोस्ट फिशेज हैं यानी बोनी फिशेज हैं, उनके अंदर दो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स पाए जाते हैं। फेरल एंड जोन्स इन 1992 डिस्क्राइब्ड अ सिंगल एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, जबकि फेरल और जोन्स के मुताबिक क्या है कि एक सिंगल एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल पाया जाता है, दो नहीं पाए जाते बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल। द एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स इन ऑल द थ्री जेनरा ऑफ डिप्नोन्स यानी जो लंग फिशेज के तीन जेनरा हैं, जैसे प्रोटोप्टीरस है जो अफ्रीका में पाया जाता है, लेपिडोसायरन जो साउथ अमेरिका में है, एंड न्योसिराटोडस जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और दे हैव रिप्लेस्ड बाय अनदर स्ट्रक्चर नोन एज एट्रियो वेंट्रिकुलर प्लग। अब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स नहीं इन तीनों जेनरा के अंदर पाए जाते, बल्कि इनके अंदर एक नई स्ट्रक्चर पाई जाती है, दैट इज़ नोन एज एट्रियो वेंट्रिकुलर प्लग। यानी लंग फिशेज के अंदर एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल नहीं पाए जाएंगे, दे हैव एट्रियो वेंट्रिकुलर प्लग। इज इट क्लियर। अब हम एट्रियो वेंट्रिकुलर प्लग जो लंग फिशेज में पाया जाता है उसका फंक्शन देख लेते हैं। द एट्रियो वेंट्रिकुलर प्लग विच गार्ड्स द हॉर्स शू शेप्ड एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग। अब ये ओपनिंग किस तरह की होती है, जैसे हॉर्स का शू होता है, यानी कि जो हॉर्स के खुर होते हैं या हूव होते हैं उसके जैसे इसकी शेप होती है। द फंक्शन इज सिमिलर टू एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। अब इसका फंक्शन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल का था बाकी फिशेज के अंदर। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कॉन विद इट्स अपेक्स पॉइंटिंग इनटू द एट्रियल ल्यूमन। यानी अब इसका जो कोना होगा या नुक्कर होगा या सिरा होगा वो किसकी तरफ होगा, एट्रियल ल्यूमन की तरफ होगा,
It is projected dorsally with the atrial lumen and reaches up to pulmonalis fold, and due to this there is partial septation of the atrium. तो इसकी वजह से एट्रियम की थोड़ी सी सेपरेशन भी हुई होती है. इट इज़ मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, अभी हाइलिन कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, एंड इज एनसर्कल्ड बाय फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, और इसके इर्द गिर्द फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं. इन नियोसिराटोडस द हाइलिन कार्टिलेज इज एबसेंट एंड द प्लग इज मेड अप ऑफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू. तो जो नियोसिराटोडस जीनस है लंग फिशेज की, उसके अंदर हाइलिन कार्टिलेज तो नहीं होती है, जबकि फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू का ही प्लग बना होता है. अब हम उस प्लग की डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि किस तरह का वो होता है. अब इस डायग्राम के अंदर आप एट्रियो वेंट्रिकुलर प्लग को देख सकते हैं, जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में आपको नज़र आ रहा है. अब अगर हम दोबारा इसको रिपीट करें कि एट्रियम क्या है, तो हम इसको रिवाइज कर लेते हैं. द एट्रियम ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द डॉर्सल पेरिकार्डियल रीजन एंड मे पार्शली अनफोल्ड द वेंट्रिकल, यानी ये जो है डॉर्सल पेरिकार्डियल रीजन में पाया जाता है और ये वेंट्रिकल को भी थोड़ा बहुत अनफोल्ड करता है, और हैव अ सिंपल इन्वर्टेड पिरामिडल फॉर्म. अब पिरामिड शेप का भी ये हो सकता है, मंशूर की शक्ल का भी ये नज़र आ सकता है, जैसे मखरूती शक्ल जिसे हम कह सकते हैं वैसा ही होता है. मसल फाइबर्स इन इट्स वॉल्स आर अरेंज्ड टू अप्रोच द एट्रियल वॉल टूवर्ड्स द एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाइस एंड दस अपॉन कॉन्ट्रैक्शन टू मूव द इनकमिंग ब्लड टूवर्ड्स द वेंट्रिकल. Both the sinus venosus and the atrium are relatively thin-walled in contrast to the ventricle. The entrance into the ventricle is ellipsoid or circular in outline. जब यहाँ से यानी जहाँ से ये ventricle के अंदर enter होगा वो तो या elliptical shape होगी बेस भी, या circular shape हो सकती गोलाई में. Lies in the atrial midline and is surrounded by flat sphincter. The opening is surrounded by variable number of pocket-shaped walls. एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स भी जिनको कहा जाता है, दैट प्रिवेंट द रिटर्न ऑफ ब्लड इनटू द एट्रियम, जो एट्रियम में ब्लड को वापस आने से रोकते हैं. शार्क्स एंड देयर रिलेटिव्स, जिसको हम इलास्मोब्रैंकाई कहते हैं, एंड मोस्ट बोनी फिशेज जैसे ओस्टीथाइज, दे हैव टू रोज ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स. अब इनके अंदर दो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स के रोज पाई जाती हैं, बट सम सच एज बाउफिन एंड मिरीगल हैव फोर. अब बाउफिन और मीरी गाल के अंदर फोर रोज पाई जाती हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स की. द पैडल फिश हैज़ फाइव एंड द गार्ज एंड द बिकर्स हैव सिक्स. पैडल फिशेज के अंदर पांच पाए जाएंगे और गार्ज और बिकर्स के अंदर कितने रोज पाए जाएंगे, सिक्स. हाउएवर दीज वॉल्स हैव नॉट बीन फाउंड इन द लंग फिशेज, और लंग फिशेज के अंदर ये वॉल्स जो हैं इस तरह के नहीं पाए जाते हैं, बल्कि लंग फिशेज के अंदर क्या होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर प्लग पाया जाता है, जिसका भी मैंने आपको ये दिखाया है. अब हम वेंट्रिकल को डिस्कस करेंगे फिश के. द टिलियोस्ट वेंट्रिकल इज़ आइदर ट्यूबुलर पिरामिडल और सैक लाइक इन अपेयरेंस, यानी जो बोनी फिशेज होते हैं इनका वेंट्रिकल ट्यूब की शेप में भी हो सकता है, मखरूती शक्ल का भी हो सकता है, थैली नुमा भी हो सकता है दिखने में. इट इज़ रिलेटिवली लार्ज मस्कुलर चैम्बर, अब ये काफ़ी बड़े साइज़ का मस्कुलर चैम्बर होता है. इट इज़ अनडिवाइडेड इन इलास्मोब्रैंक एंड टिलियोस्ट, जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि जो इलास्मोब्रैंक हैं यानी जो कार्टिलेजिनस स्पीशीज़ हैं जैसे शार्क्स हैं, स्केट्स हैं और रेज हैं, इनके अंदर ये अनडिवाइडेड है, और इसी तरह से जो बोनी फिशीज़ हैं टिलियोस उनके अंदर भी ये अनडिवाइडेड है. बट इट इज़ पार्शली डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट चैम्बर्स बाय अ मस्कुलर सेप्टम इन डिप्लॉय, जो लंग फिशीज़ होती हैं उनके अंदर क्या है, इसके दरमियान में एक डिवीजन हुई हुई, पार्शल डिवीजन हुई हुई सेप्टम के ज़रिए से. द मस्कुलर सेप्टम इज़ पोस्टीरियर टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर प्लग, अब जो इसका सेप्टम होता है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर प्लग के पीछे होता है इन केस ऑफ लंग फिशेज इन ऑल द थ्री जेनरा, बट एक्सटेंड्स एंटीरियरली अलोंग द वेंट्रल सर्फेसिज इन लेपिडोसायरन, अब जो लेपिडोसायरन जेनरा है उसके अंदर क्या करता है, ये एंटीरियरली जो है वो एक्सटेंड कर जाता है इन टू द वेंट्रल सर्फेस. इट्स एंटीरियर एंड डॉर्सल मार्जन्स आर फ्री, अब इसके जो अगला सिरा है जो ऊपर वाला सिरा है वो फ्री होता है. इन मेजॉरिटी ऑफ इंडियन टिलियोस फिशीज द वेंट्रिकल इज सैक लाइक, अब ये थैली नुमा नज़र आ रहा होता है, एंड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ रिलेटिवली थिक वॉल्ड एज कम्पेयर टू एट्रियम, और जो एट्रियम से पहले जो आपको जैसे बताया था कि साइनस विनोसिस है उनसे ये थिक वॉल्ड होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो मस्कुलर इन नेचर. तो वेंट्रिकल के लिए हम कह सकते हैं कि वेंट्रिकल इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेटिवली थिक वॉल्ड एंड मस्कुलर सैक इन द वेंट्रोकॉर्डेड पोर्शन ऑफ द पेरिकार्डियल सैक
Its shape is inverted pyramidal in the shark-like fishes like Leishmaniaceae, with the broad base directed chordate towards the liver. In the lung fishes, the ventricle is roundish, but in most of the bony fishes like osteichthyes, it is laterally compressed. Two layers of muscles are common, a superficial dense cortical layer and a spongy internal one. Cod fishes and their relatives, however, do not have the cortical muscle layers. The outer muscle layer may have circular fibers as in sturgeons, or it may form whole whorls as in different types of sharks, or there may be subdivisions of fibers that cross one another as in many of the highest bony fishes known as teleosteae. Among fishes, generally muscle bundles of the spongy layer protrude into the lumen of the heart as trabeculae and forms numerous subdivisions of the chamber. Muscle fibers of this layer may run parallel or at right angles to the axis of the heart, or may even proceed radially from the surface towards the interior. The ventricle leads anteriorly into the conus arteriosus, a specialized part of the truncus arteriosus or ventral aorta. The conus is composed of heart muscle like the ventricle and is largest in lung fishes, where it is also slightly bent. It is quite straight in other fishes but varies in length. The conus ranges from relatively long in the guards to short and hardly detectable in many of the highest bony fishes like teleosteae. Related to the length of the conus in the variation in numbers of valves to prevent the backflow of the conus of the blood into the ventricle. As many as 74 such valves occur among guards arranged in 8 successive rows. 2 to 7 such rows are found in shark-like fishes and usually one in most bony fishes. Now the question arises, why do fish have a 2-chambered heart, not 3-chambered or 4-chambered heart? तो इसका आंसर वेरी सिंपल है कि फ़िश का हार्ट चूँकि बहुत सिंपल ऑर्गन है, जिसका काम क्या है, खून को पंप करना गिल्स की तरफ, और वहाँ से फिर गिल्स से ब्लड जो है ऑक्सीजन को हासिल कर लेता है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो दोबारा क्या करता है, पूरी फ़िश की बॉडी के अंदर जो है वो सर्कुलेट करता है और तमाम सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और जो फ़िश का हार्ट है इसको चूँकि ज़्यादा चैम्बर्स नहीं चाहिए हैं, क्योंकि ये सिंपल सी एक सर्कुलेशन है, दैट्स वाई इट डजंट रिक्वायर एडिशनल चैम्बर्स बियॉन्ड द फर्स्ट 2 चैम्बर्स। और अब सिंगल सर्कुलेशन, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है कि फ़िश का हार्ट जो है इट शोज़ सिंगल सर्कट सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इज़ अ टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दैट अकर्स इन ओनली फिशिज इन विच द ब्लड पासिस ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन ईच कम्प्लीट सर्कट ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या है कि ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें से खून एक ही दफ़ा दिल के अंदर से गुजरता है, उसको आप क्या कहते हैं, सिंगल सर्कट सर्कुलेशन, जो कि फिशिज के अंदर ही पाई जाती है। अब इस स्लाइड में भी हम सर्कुलेशन डायग्राम आप फिश की देख सकते हैं कि फ़िश के अंदर ब्लड सर्कुलेट कैसे करता है। तो आपको जो ब्लू लाइन एरो के साथ दिखाया गया है कि यहाँ से जो, यानी ब्लू जो है लाइन या ब्लू कलर जो है यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड। अब ऑक्सीजन पुअर ब्लड जो है वो ब्लूइश कलर का है, वो यहाँ से जो है इस तरफ आ रहा है फ़िश के हार्ट की तरफ, जो कि उसके गिल्स के पास हैं, पास है हार्ट उसका फ़िश का। अब यहाँ पे अगेन फ़िश के हार्ट के वही जो चैम्बर्स आपको जैसे पहले बताया था, वहाँ से होता हुआ अल्टीमेटली फ़िश के ये जो एंटीरियर साइड पे गिल्स दिखाए गए हैं यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे जब ऑक्सीजन को कैरी करेगा ब्लड, तो उसके बाद उसका कलर चेंज हो गया, ये रेडिश कलर में आपको दिखाया गया, तो ये रेडिश कलर का ब्लड फ़िश की बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगेन फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड फ़िश के अंदर जो है वो ब्लड के अंदर जब बन जाएगी, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ऑक्सीजन पूरा ब्लड होगा वो अगेन मूव करता हुआ फ्रॉम द डॉर्सल एओर्टा फ़िश के हार्ट में आएगा। यानी कि अब जब वो फ़िश के हार्ट में आएगा तो वो कहाँ पे आएगा, सबसे पहले साइनस विनोसिस में, फिर एट्रियम में, फिर वेंट्रिकल में, फिर उसके बाद कोनस या बल्बस आर्टरियोसिस में होता हुआ अगेन वेंट्रल एओर्टा के थ्रू गिल्स में जाएगा। तो इस तरह से ये जो है हार्ट की सर्कुलेशन होती रहती है। नीचे आप ये एरो में देख सकते हैं कि हार्ट यहाँ पे फ़िश का दिखाया गया, उसके बाद गिल्स आ गया आपको दिखाया गया हार्ट के साथ बिल्कुल, फिर उसके पास बाकी जो सारा एरिया वो मसल्स है जहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑक्सीजन रिच ब्लड। इस स्लाइड में भी अगेन आपको जो है वो फ़िश का हार्ट दिखाया गया है, जिसमें आप रेड साइड देख सकते हैं जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है। तो अल्टीमेटली वो जब फ़िश के हार्ट की तरफ जा रहा है तो ऑक्सीजन पुअर हो चुका है, ब्लूइश कलर में दिखाया गया है।
तो वहाँ से वो अगेन मूव करता हुआ फिश के हार्ट से कैपलरीज में गया, गिल कैपलरीज में, वहाँ से ऑक्सीजनेशन हुई है तो अगेन वो रेड कलर का हो गया है। तो ये आपको सारा दिखाया गया, आप इसे देख सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर भी आप ब्लड सर्कुलेशन फ़िश की देख सकते हैं कि जो वेंस हैं फ़िश की दे कैरी ऑक्सीजन पुअर ब्लड, यानी वेंस जो हैं हार्ट की तरफ ब्लड लाने वाली वेसल्स होती हैं, और जो ब्लड से ब्लड को अवे लेके जाती हैं ब्लड वेसल्स, दे आर नोन एज आर्टरीज़, यानी वेंस के थ्रू जो है फिश के हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा है जो ऑक्सीजन पुअर है, जिसको आपको ब्लू कलर में दिखाया गया है। अब यहाँ पे ये फिश के हार्ट के चैम्बर्स दिखाए गए हैं, जैसे ये साइनस विनोसिस है, दूसरा एट्रियम है, फिर उसके बाद वेंट्रिकल है, फिर कॉनस या बल्बस आर्टरियोसिस है। अब वो वहाँ से जो है फिश के गिल्स की तरफ ब्लड जा रहा है, तो वहाँ से उसको ऑक्सीजन उसने कैरी की है अगेन, तो ऑक्सीजन के बाद उसका कलर जो है चेंज हो गया, रेडिश कलर आपको दिखाया गया है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है। तो इस तरह से वो पूरी बॉडी में उसकी डिस्ट्रीब्यूट हो गया बॉडी कैपिलरीज के थ्रू, फिर अगेन वेंस जो है कलेक्ट करेंगे ऑक्सीजन पुअर ब्लड और उसको हार्ट की तरफ ले आएंगे। तो इस तरह से फिश के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन होती है।